रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। अब तक ढेर सारी नई फिल्में रिलीज हो चुकी है, लेकिन प्रभास की कल की फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में करती जा रही है ताबड़तोड़ कमाई। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कल की के 9 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म किल के फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आप के पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड की रोमांटिक ड्रामा फिल्म औरों में कहां दम था के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है नीरज पांडे ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे मास महाराजा अजय देवगन, तब्बू, जिम्मी शेरगिल, शांतनु माहेश्वरी और साई मांजरेकर। बताना चाहूंगा दोस्तों, ये फिल्म आज के ही दिन यानी कि 5 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स ने 3 दिन पहले यानी कि रिलीज होने के 3 दिन पहले यह अनाउंस कर दिया कि इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन की यह फिल्म आज सिनेमाघरों में नहीं रिलीज हुई, जिसके चलते उनके सभी फैंस काफी ज्यादा निराश हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों जितने भी फैंस वेट कर रहे हैं कि आखिर अब हमें यह फिल्म कब देखने को मिलेगी, तो आपको बता दें कि यहां पर अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था कि जो अब अगली रिलीज डेट है वो रखी गई है 2 अगस्त। जी हां दोस्तों, यह फिल्म अब आपको 3 हफ्ते बाद यानी कि 2 अगस्त को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। हालांकि अगर यह फिल्म आज रिलीज हो जाती तो कल की तूफान के सामने शायद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं कर पाती। तो मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को 3 हफ्ते आगे बढ़ाकर एक तरह से काफी बढ़िया फैसला लिया है। अब देखते हैं कि जब ये फिल्म 2 अगस्त को रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाका करती है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म किल के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे लक्ष्य लालवानी और राघव जियाल। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म का ट्रेलर इतना धमाकेदार था कि ट्रेलर देखकर ही पता चल चुका था कि यह फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एक्शन फिल्म होने वाली है। और वैसे भी दोस्तों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था, वहां से ही फिल्म की पब्लिक के बीच में काफी ज्यादा तारीफें सुनने को मिल रही थी, और कहीं ना कहीं यह फिल्म रिलीज होने के पहले एक अच्छी खासी हाइप क्रिएट कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों फाइनली आज यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, और एक नया हीरो होने के बावजूद भी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक तरह से काफी डिसेंट ओपनिंग मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, उससे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं इस फिल्म का बजट, स्क्रीन काउंट। तो दोस्तों आपको बता दें कि किल फिल्म का टोटल बजट 30 करोड़ रुपए का है, वही इस फिल्म को ऑल इंडिया में 1000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। साथ ही साथ फिल्म विदेशों में 500 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, यानी कि दोस्तों इस फिल्म को दुनिया भर में 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। बात करें फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर किल फिल्म को जिस तरह से मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली वो तो ठीक ठाक है, लेकिन फिल्म को जो रिव्यूज मिल रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, जिसके चलते ये फिल्म आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज में एक तगड़ा पिक करने वाली है। जिसके चलते ही दोस्तों लग रहा है कि किल फिल्म अपने पहले दिन दुनिया भर से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। जी हां दोस्तों, अर्ली एस्टिमेट आंकड़ों के हिसाब से ये फिल्म अपने पहले दिन दुनिया भर में 2.5 करोड़ की ओपनिंग ले रही है, जो कि एक तरह से अच्छी खासी ओपनिंग है। आप देखते हैं कि कल सैटरडे और परसों संडे इस फिल्म के कलेक्शन में कितना ग्रोथ आता है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म कल्की के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है नाग अश्विनी ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी। इस फिल्म का बजट 650 करोड़ रुपए, और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में दुनिया भर के अंदर रिलीज किया गया था 10,000 स्क्रीन पर। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को सिनेमाघरों में आज 9 दिन हो चुके, और इस वक्त ये फिल्म दूसरे हफ्ते में चल रही है। अभी हफ्ते नई नई फिल्में आ चुकी है, उसके बावजूद भी कल की फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरी तरह से तूफानी होते जा रहे हैं। यह फिल्म हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ा हो, सभी भाषाओं में अब तक बॉक्स ऑफिस पर डटकर चल रही है, और इस फिल्म के दिन पे दिन जो कलेक्शन आ रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि यह फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने को तैयार है। हालांकि बात करें कल की फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन की, तो सबसे पहले जानते हैं हिंदी कलेक्शन, उसके
के बाद वर्ल्ड वाइड ओल्ड लैंग्वेज कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों कल की फिल्म ने शुरुआती 7 दिनों में हिंदी नेट कलेक्शन 153 करोड़ 15 लाख रुपए का किया था। 8वें दिन 11 करोड़ 85 लाख रुपए कमाए थे। वही 9वें दिन ये फिल्म हिंदी में लगभग 10 करोड़ का नेट कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ कल्कि का शुरुआती 9 दिनों के अंदर हिंदी नेट कलेक्शन 175 करोड़ का हो रहा है, तो हिंदी ग्रोस कलेक्शन 208 करोड़ रुपए। जी दोस्तों फिल्म 9 दिनों में हिंदी मार्केट में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वही अब अगर बात करें वर्ल्ड वाइड ओल्ड लैंग्वेज के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों कल्कि फिल्म ने 6 दिनों के अंदर ही दुनिया भर से 700 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। वही 7वें दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 38 करोड़ का किया था, तो 8वें दिन फिल्म की कमाई 46 करोड़ रुपए दुनिया भर से रही थी। वही नजर डाली जाए इस फिल्म के आज यानी 9th डे के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पे, तो दोस्तों इस हफ्ते नई फिल्में रिलीज हुई है जिसके चलते फिल्म के स्क्रीन्स कम हो गई है और उसी वजह से ये फिल्म अपने 9th डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रही है सभी भाषाओं में लगभग 35 करोड़ रुपए का। और इसी के साथ कल की फिल्म का 9 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 819 करोड़ रुपए हो रहा है। जी हां दोस्तों फिल्म शुरुआती 9 दिनों के अंदर दुनिया भर में 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। और अब कल है सैटरडे, परसों है संडे, तो आने वाले 2 दिनों में इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो आखिर कहां तक जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कल की फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।